से परेशान नहीं होना, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर क्या यूज करेंगे, नेटबीन से मिला होता है, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, या तो मुझसे ले लें, या आपको दो जगह में बताता हूँ, आप वहां से आप डाउनलोड करें, ठीक है? ये आप लेके ना नेटबीन्स गूगल पे ना, तो आपको यहाँ पे साइट पे लेके जाएंगे इसको, और यहां से जो लेटेस्ट आईडी है ना उसको डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड पे आप जाएंगे ना, ये ऑप्शन, ठीक है, क्लिक कीजिएगा इस पे, तो यहाँ पे नेटबीन जो है ना, जो लेटेस्ट वर्जन है ना कोई भी, ये देखिए अक्टूबर 2019, ठीक है, ये वाला आप डाउनलोड कीजिएगा, ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेबल है, आप उससे ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब ये नेटबीन आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो पहले आपने इंस्टॉल नहीं करना, इससे पहले आपने जेडीके इंस्टॉल करना है। जेडीके के साथ भी आता है ना, वो ऑरेकल के साइड से मिलता है, एक और ऑप्शन होती है जेडीके नेटबीन, लेकिन उसमें इशू ये, वो जो वर्जन है ना उसमें जेडीके का वर्जन पुराना है, जेडीके 8 के साथ है, अभी जेडीके 13 है। तो मेरा मशवरा आपका होगा कि मैं आपको दोनों प्रोवाइड कर दूंगा, आप पहले जेडीके इंस्टॉल करें और फिर आके आप नेटबीन इंस्टॉल करें, जस्ट क्लिक क्लिक करना है और कुछ भी नहीं यूज करना है। जेडीके जब इंस्टॉल कर लेंगे ना, फिर नेटबीन उसका पासवर्ड से उठा लेगा और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है। तो नेटबीन यहाँ से करिए, आप उससे ले लें, ठीक है? और जो जेडीके है ना, आप इसमें लिख के जेडीके डाउनलोड पे जाए, तो जेडीके एसई आपने डाउनलोड करना है। कौन सा? जेडीके एसई, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड एडिशन में काम करना है ना, ठीक होगा? तो जेडीके एसई, देखिए जेडीके 13 नजर आ रहे हैं ना आपको, ये आपने डाउनलोड करना है, और इसके लिए आप जेडीके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो खुद से ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, और मैं तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो नेट बीन्स को आप ऑन करें, स्टार्ट में 1-2-4-5 मिनट लेंगे इसकी जो ना इंस्टॉलेशन में के बाद, उसके बाद इतना ही हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, स्टार्ट में 2 मिनट लेंगे आप, ठीक है? तो आपने करना क्या है, इसमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, आपने न्यू पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट, याद रखिए ये ऐसे होगा, आपने यहां नहीं करना, आपने जेडीके विद एंड पे क्लिक करके जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है? कहां पे? जावा विद एंड और फिर जावा एप्लीकेशन आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, और यहां पे प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे दे, मैं आपके नाम से कर देता हूं, एमसीएस एवनिंग के नाम से, या मैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? और नेक्स्ट की बाकी आप कुछ भी आपने इसको देना नहीं है, फिनिश कीजिएगा। जब आप उसको फिनिश करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा, ये क्रिएट हो चुका है, और ये देखिए आपका ये प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये पैकेज है, इस पैकेज के अंदर आपका ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ठीक है? एक मिनट, ये पुराना ऑलरेडी था ना, तो इसमें दोबारा वही बन गया, मैं दोबारा नया प्रोजेक्ट, इसमें जावा विद एंड नेक्स्ट, या लिख दे एमसीएस लिख दे, ठीक है? क्या हमें फिर ढूंढने में आसानी हो, तो एमसीएस के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। इसके बाद ये कमेंट्स वगैरह आप डिलीट कीजिएगा, कोड को शॉर्ट कीजिएगा ऐसे। अब ये देखें ना, ये बात हम डिस्कस करेंगे, पैकेज इस लाइन को कभी डिलीट ना करे, ना रिनेम करे। अगर आप ये रिनेम करेंगे खुद से और डिलीट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट रन ही नहीं होगा। पैकेज का मतलब क्या है? वो फोल्डर जहां पे एमसीएस का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है? अगर आप इसको देखना चाहते हैं ना, इसको एक दफा कंपाइल करें कि इसका सोर्स कोड जनरेट हो, ठीक है? तो कंपाइल करने के बाद में अभी आपको दिखा देता हूं कि इस पैकेज का मतलब क्या है। देखिए पैकेज का मतलब क्या है, जस्ट फोल्डर जहां पे आपके प्रोजेक्ट पड़े। ये देखिए नेटबीन प्रोजेक्ट में आया, एमसीएस में आया, देख रहे? और एमसीएस फोल्डर के अंदर आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ,
तो एमसीएस ये जो पैकेज के कीवर्ड है ना, इसका मतलब क्या है, वो फोल्डर वो नेम स्पेस को हम कहते हैं जहां पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, सिंपल। और सोर्स में आप जाएंगे ना तो सोर्स में आपका ये देखिए, ये आपका जावा, जावा का प्रोग्राम पड़ा हुआ है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सोर्स में आपका ई कोड पड़ा होगा और बाइट कोड कहाँ पे पड़ा होता है, आपके ये क्वेश्चन होना चाहिए। बाइट कोड कहाँ पे पड़ते हैं, आपके बाइट कोड इधर होता है, बिल्ड में जाए ना क्लासेस के अंदर, दिस इज द बाइट कोड, डॉट क्लास एक्सटेंशन इसका होता है। आप इसको ओपन करेंगे तो अजीब अजीब आपको इसमें करेक्टर नजर आएंगे, वो आप नहीं जानते कि है क्या, वो जेवीएम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सोर्स के अंदर आपका होगा क्लास सोर्स कोड होगा, और बेल्ट में क्या होगा, बाइट कोड होगा, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, क्या होगा एक्सटेंशन, डॉट क्लास होगा, ठीक है। ये याद रखिए, तो याद रखिए अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बाद में इन चीज को मैंने चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पसंद नहीं आया ये फोल्डर, तो आप जाएंगे यहां से इस एमसीएस के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा या इधर राइट क्लिक कीजिएगा जहां पे करना है, इसको रीनेम करें, मैं इसको एमसीएस 3 कर देता हूं या एमसीएस 4 कर देता हूं, रीनेम करें, रीनेम हो गया, ठीक है। और ये जो पैकेज है ना, इसको भी आपने रीनेम करने तो राइट क्लिक कीजिएगा, रीफैक्टर पे जाना है, कहां पे, रीफैक्टर पे, रीनेम पे जाना है, याद रखिए। और यहां पे कोई भी नाम दे दे, एमसीएस 4, ठीक है। और इस पे आपने क्या करना है, रीफैक्टर पे क्लिक करना है, अगर चेंज करना है आपको एक तरीके बता रहा, ये देखे चेंज हुआ कि नहीं, खुद से चेंज नहीं करना कि इधर जाकर चेंज कर लो, खुद भी ऑब्वियसली फोर हो चुका होगा, क्लियर है ना इकरा, ठीक है, ओके। इसकी बात अब मैं सिंपल सा इसमें आउटपुट, सिंपल सी प्लस प्लस की डिफरेंस कैसी, इसमें इनपुट लेना और डिस्प्ले करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी सेम वही चीज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सी शार्प पढ़ के आए हो ना, तो ये पहले लाइन में मैं आपसे पूछूंगा इसके पब्लिक स्टैटिक वॉइड बैंड का मतलब क्या है, ये आप लोगों ने बताना है मुझे, जिसका ए ग्रेड होगा मैं पूछूंगा भी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट के लिए प्रिंट एलन के लिए तो पता होगा आपको, एलन का मतलब न्यू लाइन से प्रिंट करना, और प्रिंट एलन जस्ट प्रिंट करना। तो मैं सिंपल पहले ये कर देता हूं, यहां पे कोई भी दे दो, हेलो और ठीक है। अब इसको जब आप रन करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपका ये डिस्प्ले आ गया, ठीक है। अब अगर एक और लाइन में प्रिंट करूं, ये देखिए इसी को मैं अगर प्रिंट करूं, एक लाइन के अंदर आ गया ना, इसलिए अगर मैं इसको ऐसा करता तो ये न्यू लाइन से प्रिंट कर देता, ये देखिए, एक मिनट इसको, सॉरी क्योंकि ये तो नीचे प्रिंट होगा ना, ठीक हो गया। तो प्रिंट एलन का मतलब क्या है, न्यू लाइन से प्रिंट करना, ठीक है। अच्छा अब आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सिस्टम क्या है भाई, आउट क्या है, प्रिंट क्या है, याद रखिए जावा के अंदर क्लास का पहला कैरेक्टर क्या होता है, बड़ा होता है, कैपिटल होता है, और मेथड का फंक्शन का पहला कैरेक्टर छोटा होता है। अगर आप देखें ना स्टैटिक वॉइड मेन को, तो मेन का पहला कैरेक्टर क्या है, छोटा, स्ट्रिंग का एस क्या है, बड़ा। तो इसका मतलब ये है, स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ जावा के अंदर किस फॉर्म में है, क्लास के फॉर्म में, ये याद रखिए, ये सिस्टम क्लास है, ये इसके लिए फंक्शन है, ठीक है, और प्रिंट के थ्रू ये भी फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते स्क्रीन को, ठीक है। बाद में डिस्कस करेंगे ये स्ट्रीम के अंदर वैसे आ जाती है चीज, जब हम स्ट्रीम पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताइए, ये जो प्रोग्राम रन हुआ, आपको तो बता दिया मैंने पैकेज का मतलब क्या है, पब्लिक क्लास एमसीएस क्या है, क्योंकि जावा के अंदर 90.9% चीजें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, सिवाय सिंपल टाइप्स के जिसको प्रिमिटेड डेटा कहते हैं, जैसे एंड हो गया, फ्लोट हो गया, डबल, वो ऑब्जेक्ट नहीं, इसके अलावा जो भी है ना सारे क्या है, क्लासेस है।
लाइक एरे क्लास के अंदर है, स्ट्रिंग क्लासेस के अंदर है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि सिंपल टाइप के क्यों रखा गया सिंपल टाइप के अंदर, एफिशिएंसी, क्योंकि अगर उसको ऑब्जेक्ट के अंदर रखते ना, ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना, फिर उस पर टाइम लगता है, इसलिए उसको 1% आप कह रहे कि वो सिंपल टाइप से, बाकी 99% जावा के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट से। तो इसलिए ये पब्लिक क्लास एमसीएस जो है ना, ये मैंने पब्लिक रखा है, ये प्राइवेट में नहीं रख सकता, क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड है। तो अगर मेन फंक्शन जिस क्लास के अंदर, वो क्लास क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, और मेन मेथड भी पब्लिक है क्योंकि ये बाहर से कॉल होगा। अब ये स्टैटिक का मतलब क्या है, सी शार्प पढ़ के आए मुझे बताओ, अभी स्टैटिक का मतलब क्या है अच्छा। अगर ये स्टैटिक ना होता ना, सी सी प्लस की तरह पहले मैं इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करता, फिर ऑब्जेक्ट डॉट समथिंग कॉल करके, तो स्टैटिक इसलिए विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकूं, क्योंकि स्टैटिक का रिलेशन किसके साथ होता है, क्लास के साथ होता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता, ठीक है। तो बेसिक चीजें होंगी ना, हम जल्दी गौर करेंगे आपको ज्यादा, मैं कहता हूँ कि एडवांस चीजें हम ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे ना, ये जो लूप वगैरह वाइल, इसको मैं गो थ्रू करूंगा जस्ट, उससे जान छोड़ जाए, वो आप बार बार पढ़ के आ रहे हैं वही सेंटिंग से, जो जहाँ पर चेंजेस होगी मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात ये कि हो सकते मैं आधे घंटे के अंदर 100 स्लाइड पढ़ा दूँ, लेकिन उस स्लाइड से एक क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आएगा आपको, फिर मेरिट पेपर का फॉर्मेट तो पता है ना, थ्योरी कोई नहीं होगी, स्लाइड से एक क्वेश्चन भी नहीं होगा, तो स्लाइड आपके सिर्फ समझ गए, ऐसे नहीं कि आप परेशान हो गए और 200 स्लाइड आपने पढ़ा दी, कैसे हम उसको पढ़ेंगे, तो वो जस्ट आप उसको गो थ्रू करेगा जी, कोई रट्टा नहीं, ठीक है। मेन तो आपको पता चल गया कि ये मेन फंक्शन है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग आर्ट्स क्या है, ये इधर रखा क्यों गया है, स्ट्रिंग आर्ट यहाँ पे ही क्यों है, ये रे तो है, स्ट्रिंग रे है मेरे पास, लेकिन ये स्ट्रिंग आर्ट क्यों है यहाँ पे, वजह क्या है, इशाब में है स्ट्रिंग आर्ट होता है ना, हाँ भाई, ये कंसोल पे रनिंग टाइम पे जहाँ प्रोग्राम रन करते उस टाइम पे आर्गुमेंट के लिए होता है, ठीक हो गया। अब देखिए, मैंने रन टाइम पे आर्गुमेंट तो नहीं दिया, लेट्स सी, देखिए मैं काम करता हूँ, ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, ये पूरा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख के एस आउट कंट्रोल स्पेस खुद ही आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूं ना आर्ग्स, इसको आप चेंज कर सकते हैं आर्ग्स को, याद रखिए कोई भी नाम रख सकते हो, आर्ग्स जीरो में प्रिंट करता हूं, आप मुझे देखिए लंबा चौड़ा एरर आना चाहिए, आ गया ना, एरर का मतलब क्या है, ये देखिए एरर है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, वो कह रहे भाई आप एरे के बाउंड्री से बाहर जा रहे, सी प्लस प्लस के अंदर आप करते कोई एरर नहीं है, जावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है और इसमें एरर बहुत, आपने बहुत सोच समझ के कोडिंग करनी है, थोड़ा सा गलती करेगी आपको रोकेगा, ठीक है। तो ये जो मतलब है एरे इंडेक्स बाउंड के, मतलब आप एरे का साइज है नहीं भाई, आप क्या जीरो इंडेक्स जनरेट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी मैं चलो इसको एक पिरामिड देता हूं, रनिंग टाइम पिरामिड कैसे देंगे, रेड बीन के प्रोजेक्ट में जाना है, इस प्रोजेक्ट जहां पे नाम है आपके प्रोजेक्ट का, फाइल से क्लिक करें, रन में जाए, रन में आर्गुमेंट में जाए, इधर लिख के हेलो हो गया, अब आप रन करिए, देखिए हेलो प्रिंट हुआ, हुआ ना, एक वर्ड दिया तो पहले इंडेक्स पे जो था प्रिंट हुआ, क्लियर। अब देखिए मैं एक और आर्गुमेंट दे देता हूं, ये देखिए रन पे जाए, हेलो हाउ आर यू, कितने आर्गुमेंट दिए मैंने, 1 2 3 4, मैं चारों को प्रिंट कर सकता हूं ऐसे, अच्छा ऐसे प्रिंट कर सकता हूं ना, अगर हम ऐसे करें, इसके लिए लूप चलाए,
और एंड आई इक्वल टू जीरो, एंड आई इक्वल टू जीरो एंड आई लेस देन फोर, आई प्लस प्लस, चार आर्गुमेंट है ना, और इधर आई को प्रिंट करो फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये देखिए प्रिंट हुआ, सारे प्रिंट हो गए ना। और अगर मैं एक लाइन प्रिंट करूं तो आपको, और बीच में से स्पेस दे दू ऐसे, उसी तरह सी प्लस प्लस की तरह आप ऐसे दे दें, ये देखिए प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं देखिए कि रन में जाके ना हाउ आर यू नालायक हो, चाय पीनी है ऐसे, अब अगर प्रिंट करूं ना भाई भागे कौन प्रिंट करेगा, हाँ तो अगर मुझे नहीं पता, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल करूं 10 ऐसे एरर आ गया, आप एरे के साइज से बाहर चले गए, क्योंकि एरे के साइज से एरे इतना नहीं था जितना हमने डिक्लेयर उसको आर्गुमेंट दिया हमने 10, तो इसके लिए तरीका क्या होगा, क्योंकि एरे किस फॉर्म में, क्लास के फॉर्म में ना, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे उसकी। तो मैं ऐसे कर लूंगा आर्ग्स डॉट लेंथ, बात खत्म, ठीक है, और आई लेस देन यहां पे मैसेंगे, ठीक है। अब देखिए अब कोई एरर नहीं आएगा, बात पहले मैं आपको बता रहे थे कि मतलब क्या हो सकता है, मैंने फिर आपको क्लास का फायदा, जब एक चीज क्लास के अंदर आ जाए ना फिर इसका ये फायदा होता है। अब देखिए बास स्टूडेंट जो है ना अल्टीमेट में क्वेश्चन किए जाते हैं कि प्रॉपर्टी और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये बता सकता है, फंक्शन चलो आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज प्रॉपर्टी है ये चीज फंक्शन, अब फंक्शन के साथ ब्रैकेट होते हैं भाई, प्रॉपर्टी के साथ ब्रैकेट नहीं होते, बाकी आप खुद देख लो कि दोनों क्या फर्क है, इतना मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो बात कहते हैं कि लेंथ का फंक्शन, लेंथ फंक्शन नहीं है भाई, ये प्रॉपर्टी है, सी शार्प में पढ़ के आए हो लेकिन आप लोग अभी भूल गए, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, ठीक है। अभी आपको मैं इनपुट करना सिखाऊंगा कि इनपुट कैसे लेते, इसमें कोई क्वेश्चन, चलो ये लेक्चर में वाइंड अप।